दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये है गीता का घर और सुबह के 4 बज चुके हैं और पायल को चींची लग जाती है। अरे, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चींची लगी है, मैं क्या करूँ? मम्मी को जगाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अंधेरी है, मैं कैसे जाऊँ अकेली चींची करने? अरे मम्मी, मम्मी उठिए ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चींची लग रही है, उठिए ना मम्मी, नहीं तो मैं बिस्तर में कर दूँगी चींची। अरे पायल बेटा, सो जाओ, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो मम्मी को? सो जाओ, सुबह चली जाना चींची। अरे मम्मी, मेरे को बहुत ही ज्यादा जोर से चींची लग रही है, आप उठिए ना मम्मी। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे पप्पू को बोलो तुम्हें चींची कला देंगे, मेरे को सोने दो प्लीज। और ये बोलते ही गीता सो जाती है। अरे मैं जाती हूँ, पप्पू को जगाती हूँ, पप्पू मेरे को चींची कला देंगे, अरे जल्दी जाती हूँ, नहीं तो मैं चींची कर दूंगी, जल्दी जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा जोर से चींची लगी है मेरे को। और इधर गोपाल सो रहा है। अरे पप्पू, पप्पू, अरे पप्पू उठिए ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा चींची लग रही है, पप्पू उठिए ना, मेरे को चींची करना है पप्पू। अरे पायल बेटा, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? जाओ तुम्हारी मम्मी को बोलो चींची करा देंगे। अरे मैं सोता हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा मस्त नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, जाओ तुम्हारी मम्मी को बोलो चींची करा देंगी। और ये बोलते ही गोपाल सो जाता है। अरे पप्पू भी सो गए, मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा चींची लग रही है जोर से। अरे मैं नहीं तो जाती हूँ लीना आंटी के घर, लीना आंटी को बोलती हूँ मेरे को चींची कला देंगे। अरे ये मम्मी पापा भी ना मेरे को चींची भी नहीं कलाते हैं, रात के अंधेरी में बहुत ही ज्यादा अंधेला है, मैं कैसे जाऊँ? चलती हूँ, जाती हूँ लीना आंटी के घर, बोलती हूँ मेरे को चींची कला देंगे। अरे ये बोलते ही पायल रीना के घर जाने लगती है। और पायल रीना के घर जाने लगती है। अरे जल्दी जाती हूँ, अरे जल्दी जाती हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा चींची लगी है, मैं क्या करूँ? और पायल रीना के घर आकर पहुंच जाती है और तभी डॉगी पायल को देख के बहुत ही ज्यादा जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे डॉगी, डॉगी मत भौंको, मैं पायल हूँ। अरे डॉगी मत भौंको, मेरे को डर लग रहा है रात के अंधेरी में। अरे मैं लिंकी की प्लेन पायल हूँ, मेरे को देख कर मत भौंको। और इधर डॉगी पायल को देखकर बहुत ही जोर जोर से भौंकने लगता है। लीना आंटी को जगा देती हूँ, नहीं तो ये डॉगी मेरे को काट खाएगा। अरे लीना आंटी, लीना आंटी उठिए ना, लीना आंटी उठिए ना, लीना आंटी। अरे डॉगी चुप हो जा, कितना भौंकेगा मेरे को देखकर। और रीना भी जग जाती है। अरे पायल बेटा, क्या हो गया तुम इतने सुबह सुबह? अरे डॉगी चुप हो जा, ये है लिंकी की प्लान, उसे देखकर भूखते नहीं, ठीक है? अरे पायल बेटा, क्या हो गया तुम इतने सुबह सुबह क्यों आई हो, कुछ काम है क्या? अरे लीना आंटी, लीना आंटी मेरे को बहुत ही ज्यादा चींची लग रही थी और मैंने मम्मी पापा को जगाया तो मम्मी पापा कोई नहीं जगे, तो मैं आपके पास आ गई आंटी, मेरे को बहुत ही जोर से चींची लग रही है, मेरे को चींची कला दो ना आंटी। अरे चलो चलो पायल बेटा, मैं तुम्हें चींची कला देती हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ। ये गीता भी ना कितनी लापरवाह है, अपनी बच्ची को चींची भी नहीं कराती, इतनी सोती रहती है दिन भर पता नहीं। आ जाओ पायल बेटा, मैं तुम्हें चींची कला देती हूँ। अरे पायल बेटा, ये रहा बाथरूम, तुम जल्दी जाओ और चींची कर लो, ठीक है? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बाहर, तुम जल्दी जाओ और चींची कर लो, ठीक है? लीना आंटी, आप पानी ला दीजिए, मैं चींची कर लेती हूँ, जल्दी जाइए ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा जोर से चींची लग रही है, जल्दी जाइए आंटी, नहीं तो मैं यहीं चींची कर दूंगी। हाँ पायल बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ, तुम जल्दी जाओ अंदर और चींची कर लो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे ये रहा पानी, लेके जाती हूँ, पायल को बहुत ही ज्यादा जोर से चींची लग रही है, जल्दी लेकर जाती हूँ, नहीं तो वो
बाहरी चीची कर देगी, जल्दी लेकर जाती हूँ पानी में। अरे ये लो पायल बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई, मैं रख देती हूँ बाथरूम में, तुम जल्दी जाकर चीची कर दो। ठीक है आंधी, आप बाथरूम में जल्दी पानी लग दीजिए, मुझे चीची बहुत जोर से लग रही है। ठीक है मैं लग देती हूँ अभी पानी। ठीक है पायल बेटा तुम चीची कर दो, आंटी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे नहीं आंटी, आप थोड़ा पर्दा डाल दीजिए, मैं चीची कर लूंगी, मुझे साल मार रही है आंटी। अरे आंटी जल्दी कर लिए ना, मैं चीची यहीं नहीं तो कर दूंगी कपड़े पे, मुझे साल मारती है आंटी। ठीक है पायल बेटा मैं पर्दे डाल देती हूँ, तुम चीची कर लो और मैं जाती हूँ अपने काम कर लेती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ और गैया को चारे डाल देती हूँ। आजकल के बच्चे पता नहीं कितना शर्म करते हैं। ठीक है पायल बेटा तुम चीची करो आराम से। इधर रीना सारे घर पे झाड़ू दे रही है। अरे ये पायल बेटी सिसी की नहीं। अरे वाह, मैंने तो सारे घर पे झाड़ू दे दिया, घर कितना चमक रहा है। और इधर पायल भी चीची करके आ जाती है। अरे आंटी मैंने चीची कर लिया है, मैं जाती हूँ मुन्ना और मुन्नी के साथ थोड़ा खेल लूंगी। हाँ हाँ जाओ पायल बेटा, वहीं उनके साथ खेलना और सो भी जाना। हाँ आंटी मेरे को नींद भी आ रही है। और इधर गीता पायल को ढूंढते ढूंढते आ जाती है रीना के घर। अरे रीना तुमने देखा है क्या पायल को, उसको सुबह बहुत ही ज्यादा चिची लग रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे गीता तुम कितनी लापरवाह हो, एक बच्ची को चीची भी नहीं करा देती। अरे पायल बेटी मेरे घर आ गई है, उसको बहुत ही जोर से चीची लग रही थी, तुम कितनी लापरवाह हो। अरे हाँ रीना मैं कितनी लापरवाह हूँ, बच्ची को चीची नहीं कराई, इतनी रात के अंधेरी में तुम्हारे घर आ गई, पता नहीं अगर ऊंच नीच कुछ हो जाती तो मैं क्या करती। ठीक है कहाँ है पायल? अरे ये रही देखो पायल, मुन्ना मुन्नी के साथ खेलते खेलते सो गई है। अरे थैंक यू रीना, तुम मेरी बच्ची की कितनी ख्याल रखती हो। अरे नहीं नहीं दीदी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।